नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नॉर्थ कर्नाटका स्पेशल यानी कि उत्तर कर्नाटका स्पेशल हिंदी पल्ला। तो आइए देखते हैं इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। उत्तर कर्नाटका स्पेशल यानी नॉर्थ कर्नाटका स्पेशल हिंदी पल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 3/4 कटोरी तुअर की दाल। इसे हम लोग 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने तुअर की दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल के पका लेंगे। यहाँ पे गैस पे मैंने कुकर चढ़ा के रखा है, इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे और इसके अंदर हम लोग डालेंगे 2 कटोरी जितना पानी। पानी यहाँ पे हम लोग ज्यादा डालेंगे ताकि इसका स्टॉक निकाल के हम लोग उसका रसम बना सके। और अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पका लेंगे। हम लोग इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर देंगे ताकि दाल के साथ वो भी अच्छी तरह से पक जाए। दाल यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। हम लोग अब इसमें ऐड कर देंगे गवार की फलियों को। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी गवार की फलियां ली है, इसको दाल के साथ ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी मूली, इसको भी दाल के साथ ऐड कर देंगे। और आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मूंगफली को ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद सब्जी हो उसको आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही में हम लोग थोड़ी सी हरी पत्तियों वाली सब्जी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सोया की सब्जी यानी कि दिल लीव्स ली है, इसे मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके काट के लिया है। अब हम लोग इसे भी दाल के साथ ऐड कर देंगे और दाल को सारे सब्जियों के साथ पका लेंगे। सोया की सब्जियों के साथ आप मेथी की सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। और इसे आधा कच्चा हम लोग पका लेंगे, ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि हमें ये ड्राई सब्जी बनानी है। और इसके ऊपर का जो भी पानी या फिर स्टॉक है उसको हम लोग अलग कर देंगे। अब हम लोग इन सब्जियों को 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने कुकर के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया है क्योंकि हमको दाल को ज्यादा गलाना नहीं है, दाल को हमें आधा कच्चा पकाना है। तो 7 से 8 मिनट के लिए हम लोग इसे सारी सब्जियों के साथ पका लेंगे। दाल को पकते हुए यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी यहाँ पे आधी पककर तैयार हो चुकी है, बस हमें इतना ही इसे पकाना है। अब गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे और दाल में से पानी को अलग कर लेंगे। एक स्ट्रेनर की सहायता से हम लोग दाल में से पानी को अलग कर देंगे। दाल में से स्टॉक को हमने अलग कर लिया है, इससे हम लोग रसम बना लेंगे। सब्जी के लिए हम लोग एक पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए हमने लिया है 7 से 8 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक। इन सारी चीजों को एक साथ हम लोग पीस लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन का मिश्रण यहाँ पे अच्छी तरह से पीस के तैयार हो चुका है। आइए अब हम लोग सब्जी को तड़का देते हैं। हिंडी पल्ला को तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा के रखी है। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुकी है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम लोग ऐड करेंगे सरसों को। 1/2 चम्मच सरसों मैंने यहाँ पे डाली है। 1/2 चम्मच जीरा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। साथ ही में हम लोग ऐड कर देंगे हमारे मिर्ची वाले मिश्रण को और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको तड़के में ऐड कर देते हैं। इसे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज और लहसुन की कच्ची खुशबू चली नहीं जाती। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम लोग गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। हरी मिर्च के बदले में आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। आइए इसके अंदर हम लोग डालेंगे अब हल्दी को। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच हींग। अब इन सारी चीजों को हम लोग मिक्स कर देंगे। अब हम जो दाल हमने पकाई थी उसको तड़के में ऐड कर देते हैं।
सारी दाल को हम लोग तड़के में ऐड कर देंगे और प्याज के साथ इसे भी हम लोग अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। उत्तर कर्नाटक की बहुत ही स्पेशल ऐसी सब्जी से माना जाता है और ज्वार की रोटी के साथ इसे बड़े मजे से खाया जाता है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऐसी सब्जी बनती है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, बस अब 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग इसे पका लेंगे। ढक्कन नहीं रखेंगे, याद रखें, इसी तरह से सब्जी को पका लेंगे। साथ ही में हम लोग ऐड कर देंगे आधी चम्मच नमक को। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी यहाँ पे पककर तैयार हो चुकी है। ऐसी ही खिली खिली सब्जी हमें यहाँ पे चाहिए थी। आइए अब हम लोग इसके ऊपर डालेंगे मूंगफली के पाउडर को। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली का पाउडर लिया है, इसको हम लोग सब्जी में ऐड कर देते हैं। मूंगफली के पाउडर को डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ता है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमारी सब्जी यहाँ पे सर्विंग के लिए तैयार हो चुकी है। आइए इसे हम लोग एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म हिंडी पलाय यहाँ पे खाने के लिए तैयार हो चुकी है। उत्तर कर्नाटक का स्पेशल यानी नॉर्थ कर्नाटक का स्पेशल हिंडी पलाय यहाँ पे खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी ज्वार की रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।